बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए लिया है मैंने 50 ग्राम साबुत धनिया, 50 ग्राम साबुत ज़ीरा सफ़ेद, 50 ग्राम काली मिर्च, 25 ग्राम सौंफ, हरी इलायची 25 ग्राम, 10 ग्राम लौंग, 25 ग्राम स्टार फूल, 25 ग्राम बड़ी इलायची, 10 से 15 ग्राम मैंने लिए दालचीनी, 10 से 12 अदद लिया है मैंने तेज़पत्ता, और 2 चमचा लिया है मैंने शाहजीरा। अब हम गरम मसाला पहले एक पैन में डालकर भून लेंगे हल्का हल्का, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम एक पैन में धनिया डालकर भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया डालकर हल्का हल्का हम इसे भून लेते हैं। ये देखें, धनिया डालकर मैंने इसे हल्का हल्का भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम ज़ीरा डालकर भूनते हैं। ये देखिए, ज़ीरा भी हमारा अच्छी तरह भुन गया है। इसे भी हम एक प्लेट में डाल देते हैं। अब हम डालकर भूनेंगे सौंफ और साजीरा, इसे भी डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए, सौंफ और साजीरा भी मैंने डालकर अच्छी तरह भून लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे काली मिर्च, और काली मिर्च भी डालकर, ये देखें काली मिर्च डालकर भी हम अच्छी तरह से भूनते हैं। काली मिर्च में ही हम लौंग भी डाल देते हैं। काली मिर्च और लौंग भी हमारी अच्छी तरह भुन गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, स्टार फूल और तेज़पत्ता, इसे डालकर भी हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। ये देखें, हरी इलायची, स्टार फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी और इस पत्ता भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करते हैं। ये देखिए, जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक जार में डालकर अच्छी तरह से बारीक बारीक पीस लेते हैं। देखिए, सब मसाले को मैंने एक जार में डाल लिया है। अब हम इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखें, मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसे हम छान लेते हैं, जो मोटा मोटा उसे वापस पीस लेंगे। ये देखें, मसाले को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और ये जो मोटा मोटा रह गया इसे हम वापस पीस लेते हैं। ये देखें, दोबारा भी मैंने मोटे मोटे जो मसाले रह गए थे उसे भी पीस लिया है। अब इसे हम छान लेंगे दोबारा। छाने हुए मसाले को भी मैंने पीस लिया है, इसे भी अच्छी तरह अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, गरम मसाला पाउडर हमारा बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप दाल गोश में, सालन मसाला पाउडर में, सब में मिक्स करके इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।